हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक मेरे पास फ़ोन है MI का, जिसका मॉडल है MI Note 5। ठीक है, तो फ्रेंड इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो माइक का प्रॉब्लम है। इसका जो माइक है, यहाँ पर जो माइक रहता है नीचे में, देखो ये जो बोर्ड है आपको दिख रहा होगा नीचे में, इसका जो माइक है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, और इसका माइक मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आज मैं कौन से तरीके का इसका जो माइक है वो लगाने वाला हूँ, तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के आपको दे दूँ। क्योंकि आपके पास अगर नोट 5 आता है, आपके पास अगर दूसरा माइक है, ये सेम माइक नहीं है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है माइक का प्रॉब्लम, फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में इसका जो माइक का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम लोग को रिमूव करना है, ठीक करना है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं एक नंबर पर कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के बाद वो नंबर अभी मेरे पास है और मैं यहाँ पर जो है चेक कर लेता हूँ इसका जो माइक का प्रॉब्लम है वो रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी कॉल कट चुका, मैं फिर से एक बार कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कॉल करने के बाद इसका जो माइक है वो पहले हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास एक सेम फ़ोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पर जो है फ़ोन आ रहा है, अभी देख सकते हैं आप लोगों के सामने में। तो फोन को यहाँ से मैं रिसीव कर लेता हूँ। रिसीव करने के बाद यहाँ से मैं ये वाले फ़ोन को लाउड स्पीकर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ हेलो हेलो, और यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम को भी फुल कर देता हूँ। पहले ये वाले फ़ोन का देखो वॉल्यूम पूरा फुल है। ठीक है, तो ये वाले माइक में, ये वाले फ़ोन में हम लोग माइक के यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है पीछे में, यहाँ पर देखते हो इधर इसी में नीचे में ये छोटा सा बोर्ड है, ये वाला माइक वाला, यहाँ पर मैं हेलो करते हैं तो ये वाले फ़ोन में, ये जो फ़ोन है जिसमें फ़ोन आया हुआ उसमें लाउड स्पीकर में आवाज़ आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ हेलो हेलो हेलो। देखो ऐसे करने के बाद, ऐसे बोलने के बाद थोड़ा आने लगता है आवाज़, मगर कम्प्लीट जब फ़ोन को हम लोग फिट कर देते हैं उसके बाद आवाज़ नहीं आता। देखो हेलो हेलो हेलो, देखो फ़ोन यहाँ पर चालू है, यहाँ पर भी फ़ोन चालू है, देख सकते हैं यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, देख सकते नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए इसका जो माइक का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिमूव करना है, तो चलिए अपनी जगह पे चलते हैं फटाक से पहले। और सबसे पहले ये वाला जो बोर्ड है इसको सिंपली हमको खोल देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला बोर्ड जो है सिंपली इसको हम खोल देते हैं फटाक से। तो यहाँ पर मेरा स्क्रू ड्राइवर है और यहाँ पर ये जो बोर्ड है मैं सिंपली पहले इसको रिमूव यहाँ से कर लेता हूँ। और ये जो पत्ता है आपको आराम से इसको खोल देना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए, आराम से इसको निकाल देना है। ठीक है, और ये नेटवर्क वाला जो कनेक्शन है इसको भी आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये वाला बोर्ड है, देखो ये छोटा सा एक बोर्ड है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड है छोटा सा, और यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है देखिए। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक छोटा सा माइक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये फ़ोन अभी ऑन है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये माइक है, देखिए ये वाला माइक है इसका। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग माइक को इस तरीके से रख देते हैं और अपना मशीन को जो है चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मशीन मैंने चालू कर लिया है और ये जो माइक है ये वाला साइड में इधर दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला माइक जो है इसको सिंपली हम लोग निकाल के एक दूसरा माइक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम माइक को खोल देते हैं बाहर। तो सिंपली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो माइक है वो मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ अभी। तो सिंपली आपको अगर भी अगर माइक का प्रॉब्लम आता है तो आपको सिंपली पहले माइक को चेक कर लेना या उसका लाइन को भी चेक कर लेना। ठीक है, तो सिंपली इसका मैं जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, जोर से बोलने पर इसकी जो है आवाज़ थोड़ी बहुत जाती है और मोबाइल जब मैं फ़िट कर देता हूँ तो एकदम ही आवाज़ जो है नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते सिंपली मैंने इसका माइक को जो है खोल दिया है। ठीक है, देख सकते इधर यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो माइक है वो मैंने खोल दिया है। तो माइक को यहाँ पर मैं रख देता हूँ साइड में। तो यहाँ पर इसका माइक को मैंने रख दिया और इसका जो पिन है फ्रेंड वो देख सकते हैं, ये वाले माइक का थोड़ा सा अलग पिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी थोड़ा अलग पिन है इसका, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा माइक तो शायद मेरे पास नहीं है अवेलेबल अभी। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड ऐसा माइक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसका जो है माइक आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका जो है लाइन को वो भी चेक कर लेता हूँ। तो इसका जो माइक का लाइन है वो भी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड आप लोग के लाइन के सामने, आप लोग के सामने मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़ोन को रख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ मशीन को। ठीक है, तो देखो अपने मीटर को पहले आपको बीप के बजाय पर सेट कर देना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया अपने मीटर को,
और देखो ये जो लाइन है इसके अंदर एक ठो भी आपको ग्राउंड नहीं मिलता, ये जो पिन आपको नीचे में तीन ठो पॉइंट दिख रहा है आपको नीचे में, ठीक है, इसके अंदर एक ठो भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मीटर में कुछ नहीं आ रहा। और इसके बीच वाले में भी लाइन चेक करते तो इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा, और ये जो साइड वाला इसमें भी आपको जो है ग्राउंड नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है ये वाला सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। तो ये माइक आपने देखा होगा, ये पहली बार आपने ऐसा जो है मतलब माइक वाला जो प्रॉब्लम है वो आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका जो माइक है काफ़ी थोड़ा हटके थोड़ा डिफिकल्ट माइक है। यहाँ पर देख सकते तीन तो लाइन है जो कि ये तीनों में एक बार भी नेगेटिव नहीं है, मतलब तीनों का लाइन अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग जो दूसरा वाला माइक लगाएंगे वो माइक कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास एक यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक माइक है जो काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, काफ़ी फ़ोन में लगता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये वाला जो माइक है इसको हमको लगाना है इस फ़ोन में, देख लीजिए यहाँ पर आप, ये पाँच पिन वाला माइक है। तो हम लोग को करना क्या है, और ये जो ऊपर वाला दो पॉइंट है ये नेगेटिव है, ये जो बीच वाला ये भी नेगेटिव है, ठीक है। और इसका जो ये साइड वाला है ये वाला लाइन और ये वाला बीच का छोड़ देना हमको, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमको तीन ठो वायर का इसके अंदर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तीन ठो ऑलरेडी पहले से ही है और नेगेटिव कहाँ पर दोगे, तो मैं आपको पहले से एक बार लगा के इसके अंदर चेक करा देता हूँ कहाँ से लगाना, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो वीडियो है मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाले माइक में ये जो माइक है, देखिए यहाँ पर ये जो माइक है तो इसमें जो है आप इस तरीके का जो है माइक को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वाला नोट 5 का माइक है, ये नॉर्मल माइक है जो काफ़ी सारे फ़ोन में ज़्यादातर फ़ोन में ये रहते हैं। तो ये वाला माइक जो है हम इस वाले फ़ोन के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप J2 का माइक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से लगाना वो हम लगा के चेक कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम पहले कर देंगे ग्राउंड यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको पहले ग्राउंड कर देता हूँ। तो सिंपली मैंने जो है इसको जो है ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने जो है ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। पहले मैं माइक लगा लेता हूँ उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो सीधा सिंपली मैं पहले इसको हटा लेता हूँ इधर से, तो फटाक से मैं पहले यहाँ पर माइक लगा लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड आपको भी इसी तरीके से लगाना है, तो सिंपली दोस्तों ये यहाँ पर जो है आप माइक देख सकते हैं, मैंने जो इसके अंदर माइक लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको माइक दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने माइक किस तरीके से लगाया और कौन सा माइक लगाया, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला है, और कैसे कैसे लगाया वो भी मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अब ये मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं ये जो बीच वाला पॉइंट है आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। ये जो बीच वाला पॉइंट है फ्रेंड आपको छोड़ देना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो बीच वाला पॉइंट है आपको छोड़ देना, एक ये साइड वाले में एक यहाँ पे आपको लगा के एक नेगेटिव पे दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा क्लियर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला साइड में देना और ये साइड में बीच वाले को छोड़ देना आपको, ठीक है ना। और ये नेगेटिव दे देना, ये बीच वाला फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम अपने फ़ोन में लगाते हैं और इसका माइक को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पर मेरा फ़ोन में जूम आउट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं माइक मैंने कैसे लगाया वो भी मैं आपको पहले एक बार फिर से क्लियर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं माइक मैंने कैसे लगाया, ठीक है। और इसको मैं साइड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। साइड करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको बोर्ड को फिट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर बोर्ड को फिट कर देता हूँ, और ये जो कनेक्टर है यहाँ लगा देता हूँ कनेक्टर, और ये जो नेटवर्क वाला है पिन इसको भी लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपली मैं इसका लॉक को खोल देता हूँ, लॉक खोलने के बाद फिर से मैं एक बार इसके अंदर कॉल करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार कॉल कर रहा हूँ, और फिर से हम लोग चेक कर लेंगे इसका जो प्रॉब्लम था माइक वाला वो प्रॉब्लम दूर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन आ चुका है, यहाँ से मैं फ़ोन को यहाँ से उठा लेता और यहाँ पर लाउड स्पीकर कर देता हूँ। हेलो हेलो, तो फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेलो 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 हेलो। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं माइक जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ़ोन को काट देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इजीली जो है आप माइक लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो वीडियो बस आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया था मैंने, कि जो कि आपको जो है बहुत ईजिली जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।